वाह क्या व्यू है भाई, जो चेन्नई एक्सप्रेस में वो नहीं था रेलवे ट्रैक है, देखो रहा जरा, और भाई साहब व्यू तो आप देखो उसको यार। एक सुनो ना मेरे भोलेनाथ जी, एक सुनो ना मेरे दीनानाथ जी, दिन भर मैं तेरी भंग रगड़ूंगी रगड़ू धतूरा। मेहनत मशक्कत के बाद आ गए हैं हम एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी जगह पे। चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं, और जो बिना सब्सक्राइब किए हमारा वीडियो देखते हैं उनके पापों का हिसाब रखने के लिए खुद चित्रगुप्त ने सेक्रेटरी रखा हुआ है। हेलो तो राम राम भाई, स्वागत है आपका अपने चैनल वेदी ब्लॉग्स में, मैं हूं आपका होस्ट अतीश वेदी। फिलहाल कुछ वीडियो से आप देख रहे होंगे भाई, फिलहाल मैं हूं गोवा और फिलहाल मैं डॉल्फिन चौक खड़ा हूं। सुबह 6:30 गोवा में आकर 6:30 क्यों खड़ा हूं भाई, मैं जा रहा हूं दूध सागर वॉटरफॉल, आइए देखते हैं मजा। जो कि भाई हमने पैकेज लिया, हमें 1700 का पड़ा है, 1800 ये बोल रहे थे, कम करके 1700 कुछ का पड़ा है। मैं और मेरी वाइफ वो बैठी, हम वेट कर रहे हैं बस का, एसी ट्रांसपोर्ट बस है भाई, उसी में लंच मिलेगा आपको, जंगल सफारी, और उसमें आपको नहलाएंगे वो जो वाटरफॉल में वाटर स्नान कराएंगे, ब्रेकफास्ट खुद का है, बाकी सुबह 6 से 6:30 के बीच में पिकअप करते हैं आपको एसी बस में, और शाम को छोड़ देते हैं आपको 5:00। वो खड़ी भाई पीछे बस, एसी बस, मैं वीडियो लगा दूँगा, बस ठीक है, मतलब पहले तो एसी नहीं चल रहा था, बाद में एसी चल गया था। ये है भाई चर्च जिसमें बॉडी रखी है, ये है भाई वो चर्च सिंघम मूवी की जिसमें शूटिंग हुई थी, और इसकी चर्च की और म्यूजियम की 9:00 की टाइमिंग है भाई। यहाँ पे जहाँ पे वाटरफॉल है वहाँ पे पार्किंग में तो पहुँच गए हैं, अब जा रहे हैं वहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए टाइम पे। और बस में हम जितने भी थे भाई सबके ग्रुप बना दिए, करीब 30 से 35 बंदे थे, सबके साथ साथ के ग्रुप बना दिए, जो कि गाड़ी जाएगी वो यहाँ की गवर्नमेंट गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी नहीं है, तो उसमें 7 बंदे जाएंगे वहाँ के सफारी के लिए। ब्रेकफास्ट के लिए टाइम दिया है 25 मिनट्स, ठीक है समरिया। जहाँ पे हम रुके थे कलंगुट, कलंगुट से 75 किलोमीटर है, तो बहुत टाइम है यार, मतलब 9:30 तो यहीं हो गए, और इन्होंने बोला था कि 9:00 एंट्री हो जाएगी उसके लिए जंगल सफारी के लिए जो भी है। क्या चल गया रहा है, तो भाई हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, यहाँ से टिकट ले गए, अब यहाँ से ऑफ रोडिंग है कार में 45 से 50 मिनट, और पीछे भाई दूध सागर रिवर में गाड़ी आई थी ना, वो भी व्यू एक नंबर का था, बस फ्रंट कैमरे से कोई वीडियो बना देता तो बहुत बढ़िया, लेकिन कोई नहीं ऑफ रोडिंग है। कार ऑफ रोडिंग के बाद भाई हम कर रहे हैं अपनी ट्रैकिंग, लाइफ जैकेट दे दी है वाटरफॉल के लिए वहाँ पे क्योंकि गहरा है, ये भाई हमारी ट्रैकिंग हो रही है अब, तो ये भी अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन भाई जो कार ऑफ रोडिंग थी ना भयानक थी यार, मतलब 10 सेकंड भी आप शांति से एक जगह पे अपनी सीट पे बैठ नहीं पाओगे, रगड़ो बड़बड़ गड़ो ऐसे ऐसे देखो कितने तगड़े तगड़े पत्थर हैं, इधर उधर पैर एंड मुड़ गया सिस्टम। एक सुनो ना मेरे भोलेनाथ जी, एक सुनो ना मेरे दीनानाथ जी, दिन भर मैं तेरी भंग रगड़ूंगी रगड़ू धतूरा। क्या ही मतलब पत्थर है भाई, क्या विशाल साइज है, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये पत्थर इतने हैं तो हमारे बाबा हनुमान ने कितना बड़ा पत्थर उठाया होगा, इन्हें चुटकी में उठा फेंक देंगे, या हमारे हनुमान दादा ही पावर। गोवा बंदर भाई एक नंबर गया, बाल कटे कर रहे हैं सिस्टम हैंग कर दिता बंदर, नहीं तो अंग्रेज पूरे फ्लैट हो रहे बंदर है, बाल खड़े कर रहे हो, ऋतिक रोशन की डाला गोवा की बंदर्स। वाओ क्या व्यू है भाई, जो चेन्नई एक्सप्रेस में वो नहीं था रेलवे ट्रैक है, देखो रहा जोरा, और भाई साहब व्यू तो आप देखो उसको यार। मेहनत मशक्कत के बाद आ गए हैं हम एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी जगह पे। वॉटरफॉल देख के और ना आ गए भाई, आ गया मजा एक नंबर का, चोट लगी जब भी पानी में जो भी आवे चोट लग गए, मैं तो चल बैंडेड ले रहा था,
मेरी वाइफ को भी लग गई हड़की थी, मेरा पर ज्यादा लग गई। जंगल सफारी करके भाई आए हैं जंगल बुक में। ये कुछ हेलो भाई साहब, यहाँ पे देसी स्टाइल में कुछ खाना है और हमारा खाना भी इसी में इंक्लूड है जो हमने पैकेज लिया है। देखो कितना मतलब शानदार लग रहा है, पेड़ हैं, नकली के गोरिल्ला वगैरह बना रखे हैं। थाली लो एंड चलो लो गाइस, दबा के खाओ। ये है भाई खाना, दाल छोले, पत्ता गोभी, सलाद, अचार, स्वीट्स, रोटी, चावल और सब देसी खाना है भाई। मैं यहाँ पे आप लोगों सबको कोकोनट का बारे में एक्सप्लेन करूंगी। गोवा का जो फेमस है कैशुफेनी दारू होता है, अभी काजू का सीजन स्टार्ट हुआ है। ऐसा नहीं कि खाली गोवा में जेंट्स लोग ही काजू का फेनी पीते, जैसे छोटे बच्चे या लेडीज को जैसे खांसी बुखार होता है, गले से आवाज नहीं निकल रहा है, चम्मच में फैनी डाल के चीनी मिला के गैस पे गर्म करके पिलाया जाता है, मेडिसिन में भी यूज होता है। स्पाइस प्लांटेशन के बाद भाई जो भी मतलब यहाँ पे जंगल बुक में जो भी थे पेड़े काजू दारू कैसे बनती है, काजू फीनी जो गोवा की फेमस है यहाँ पे, और जो मतलब उसी फिर काजू फीनी का टेस्ट करना हो किसी ने टेस्ट कर लो, लेनी हो 250 ml, 100 ml 250 रुपये की है। तो फिर यही था भाई इस पैकेज में, खाना ठीक ठीक था, एवरेज था, मजा नहीं आ रहा है। और रही बात भाई प्राइस की, तो 1700 रुपये तो महंगे यार, करीब 1200 रुपये होते, 1100 1200 या 1000 तो वो वर्थ थे, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा है 500 600 रुपये। पूरा टूर भाई आपने देख लिया, अगर करना चाहो तो आओ, और कॉन्टैक्ट नंबर कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सारी चीज़ें बता दी मैंने, कंप्लीट दे दिया। तो फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दियो चैनल में। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना ठीक।